वर्ग की स्क्वायर की। इसमें देखो इस टॉपिक में हमने क्या किया है कि स्क्वायर में आपको लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में आपको रेक्टेंगल के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे जिनको आप सोल्व करेंगे। बाकी अगर मैं चर्चा करूं वर्ग में, तो देखो वर्ग में किस प्रकार के अपने पास फिगर या डायग्राम बनता है। एक रेक्टेंगल की अगर सारी साइड्स बराबर हो जाए, अगर मैं ये लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई को अगर मैं इक्वल कर दूं, तो ये सारी भुजाएं सेम हो जाएंगी और ये मेरे पास एक फॉर्मेशन होगा मेरे पास स्क्वायर का। ध्यान रखें एबीसीडी यहाँ ये स्क्वायर है। देखो इसके एरिया की बात करें अगर, तो पिछली क्लास में मैंने एरिया के लिए बताया था कि किसी भी चतुर्भुजाकार आकृति का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। इसका मतलब ए गुणा ए स्क्वायर हो गया अगर मैं कहूँ, तो भुजा स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा अपने पास। बाकी अगर मैं इसकी विकर्ण की बात करूं, अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं, तो देखो किस हिसाब से, अगर यहाँ ए सी और बी डी दो विकर्ण होंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, चारों कोने 90 डिग्री के बनेंगे। 90 बनेगा तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से ये बोलो कितना आ गया रूट टू। ये विकर्ण पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं ध्यान रखना, और अच्छे क्वेश्चन भी विकर्ण पर ही बनते हैं। तो विकर्ण आ गया रूट टू गुणा ए, जहाँ ए भुजा है, भुजा को रूट दो से गुणा करते ही विकर्ण आ जाएगा। अगर परिमाप की बात करें तो चारों तरफ की लंबाई का योग ही परिमाप होता है। अगर यहाँ ए है, ए कितनी बार आ रहा है, चार बार, तो ए का चार गुना परिमाप हो गया, तो ये अपने पास परिमाप। एक देखो क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो बार बार काम में आती है। अगर ये रूट टू ए है और अगर मैं इस विकर्ण का वर्ग कर दूं तो टू ए स्क्वायर, रूट टू का तो टू और ए का ए स्क्वायर, और इसका आधा कर दूंगा तो भी बोलो क्षेत्रफल आएगा क्या, ए स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब आगे से मैं याद रखूंगा कि विकर्ण का वर्ग करके आधा कर दूंगा तो भी क्षेत्रफल आएगा, विकर्ण का वर्ग करके आधा कर दूंगा तो भी क्षेत्रफल आएगा। तो ये बात की हमने। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूं विकर्ण, यहाँ देखो हमेशा समद्विभाजक करता है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये 45 और 45 डिग्री में बटेगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा नॉर्मल पहला सेशन था, इसमें अपन कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप याद रखना एरिया की बात की हमने, भुजा स्क्वायर की बात की, विकर्ण की बात की, रूट दो गुणा भुजा उसका वर्ग करके आधा कर देंगे तो भी एरिया निकाल सकते हैं। बाकी परिमाप की बात करें तो चार गुणा भुजा हमने परिमाप ले लिया। अब देखो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक वर्ग का आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, वो 200 दे रखा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग जो इसके विकर्ण पर बनाया जाता है, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की रूट दो गुना है। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका क्षेत्रफल ये है तो अंडर रूट ले लेंगे तो इसकी साइड आ जाएगी, भुजा कितनी आ गई 10 रूट दो, बोलो कर पा रहे होंगे आप, इसका अंडर रूट ले लेना, 100 में से 10 बार आ गया और 2 रूट में आ गया, ठीक है, अंडर रूट 200 में 10 रूट दो, ये मीटर इसका विकर्ण आ गया, भुजा आ गई। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो रूट दो गुणा भुजा, भुजा को रूट दो से गुणा कर दो, अगर मैं इसको रूट दो से गुणा कर रहा हूं तो ये 2 हो गया और 10 गुणा 2 बोलो 20 मीटर। अब क्या बोला है इसने, ये सुनना, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है जिसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की रूट दो गुना है। इसका मतलब नया जो दूसरा अपने पास विकर्ण है उसकी पहले विकर्ण की रूट दो गुनी, पहला विकर्ण कितना 20, इसका मतलब उसकी जो आ गई वो 20 रूट दो गुनी, सही है क्या बात, अपने पास ये विकर्ण की लंबाई आ गई 20 रूट दो। अब आपसे क्या पूछा है, नए वर्ग का क्षेत्रफल। मैं ये बताऊं, एक बात बताऊं, ये नए वर्ग का क्या है, विकर्ण है क्या, डायगोनल है अपने पास विकर्ण। अब मैंने कहा था विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर देना आंसर आ जाएगा, इसका मतलब विकर्ण का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400 गुणा 2 और आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 400 मीटर स्क्वायर। दोबारा सुनना क्या बोला गया है, एक एरिया वर्ग का 200 दे रखा है, इसकी भुजा आ गई, अब इसका बोलो विकर्ण कितना आ गया 20, एक दूसरा है जिसका रूट दो गुना है विकर्ण, तो बोलो इसका 20 रूट दो और स्क्वायर करके आधा कर देंगे तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, ये एक नंबर क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, कोई वर्ग है मेरे पास जिसकी साइड ए है तो विकर्ण क्या हो गया रूट टू ए। अब कहा जा रहा है कि इस विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए, अब विकर्ण अगर रूट टू हुआ तो क्षेत्रफल क्या हुआ ए स्क्वायर, सही। अगर इसको मैं दो गुना कर दूं तो
बोलो ये दो गुना कर दिया तो दो रूट दो ए हो गया क्या? सही है क्या बात? दो रूट दो ए, तो क्या बोला है क्षेत्रफल क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर विकर्ण को दो गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कैसे निकल लेगा इसका? वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो चार दूनी आठ, आठ ए स्क्वायर और बटे में कितना कर दें दो, दो से काटेंगे कितना चार, बताओ ये कितने गुना हो गया? चार गुना हो गया। क्लियर है बात? तो आंसर आएगा इसका चार गुना हो जाएगा। दोबारा सुनना, विकर्ण मेरे पास, मैंने रूट दो ए को दो गुना कर दिया, अब क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूं मैं? विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, तो भी मुझे स्क्वायर आता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो किया तो चार ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर था, कितने गुना हो गया? चार गुना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है? देखो ये बात कर रहा है एक वर्ग है और इसकी भुजा अगर ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब कह रहा है इस दूसरा वर्ग इसके विकर्ण पर बनाया गया है, जैसे मान लो इस हिसाब से हमने एक वर्ग बना लिया, अब विकर्ण की लंबाई रूट टू ए, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी? रूट टू ए, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल तो बोलो दो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आंसर क्या गया? एक अनुपात दो। देखो दोस्तों ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान ही रखना, इसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग तो ये भुजा होगी, दूसरे की भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है वर्ग का, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये तीन नंबर क्वेश्चन था ना। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दो तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, एक वर्ग की भुजा ए है तो अब इसका क्षेत्रफल क्या है? ए स्क्वायर। अगर मैं एक दूसरा वर्ग ले लूं और इसकी भुजा में इसकी आधी ले लूं a बाई टू, तो बोलो भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाई कितना हो गया? फोर यहां पर, तो इसका मतलब एक चौथा ही हो जाएगा, वन बाई फोर, ये पहले ए स्क्वायर था अब चार का भाग लग रहा है तो कितना हो जाएगा? एक चौथा ही। तो ये चार चौथा क्वेश्चन था अपना, चार क्वेश्चन हो चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा तीन रूट दो है तो विकर्ण की लंबाई बताओ। एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है तीन रूट दो, अब विकर्ण की लंबाई बताओ, बताओ विकर्ण की लंबाई भुजा गुणा रूट दो, इसका मतलब तीन रूट दो और भुजा गुणा क्या करते हैं अपन? रूट दो। बोलो यहाँ तीन गुणा रूट दो क्या हो गया? दो। बोलो आंसर क्या आ गया? छह सेंटीमीटर। जो भी आंसर आ रहा है छह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये पांच क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाने चाहिए पूरे टोटल, किस हिसाब से क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, कोई वर्ग दे रखा है आपको और इसका एरिया दे रखा है 44,100 मीटर स्क्वायर, और आपको कह रखा है एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी? ये बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता, तो बोलो अगर ये क्षेत्रफल है तो इसकी भुजा अंडर रूट में होगी, 441 का 21 यहाँ कितना आ गया 210, अब इसका परिमाप ही अपना उत्तर होगा क्योंकि चारों लगाने के, इसका मतलब परिमाप निकाल दो, परिमाप क्या होता है चार गुना भुजा, तो इसका चार गुना 21 चौक 84 कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी? 840 मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो ये छठवां क्वेश्चन था अपना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस कड़ी का, फिर आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अपन। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है यदि किसी वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई, कोई वर्ग है एबीसीडी इसके विकर्ण, जैसे मान लो ये एबीसीडी कोई वर्ग है और इसके विकर्ण एसी की लंबाई 5.2 है, तो आपसे क्या पूछा है इसका एरिया बताओ, इसका आपको एरिया बताना है और ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो सुनना। ऑप्शन है 15.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरी बात जो मैंने कही थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर नहीं पा रहे होंगे एक बार, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो आगे चल के ये चीज बहुत काम आएगी कि विकर्ण को स्क्वायर कर दो, विकर्ण का वर्ग कर दो और आधा कर दो, क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 5.2 × 5.2 और इसको क्या कर दें आधा, अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो कितना आ रहा है, 5.2 को 5.2 से गुणा कर रहे हैं तो अपन गुणा कर लो
गुणा कर लिया हमने 5.2, तो 4 10 गुणा 10 और ये कितना आ गया 26, 4 0 7 27.04 आ गया। 27.04 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 13.52, ये आ गया अपने पास आंसर 13.52 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने और भी छांट रखे हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी अब इसी कड़ी में लगातार आपको देखने को मिलेंगे। बाकी उनका स्क्रीनशॉट लेते रहना और उनका क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, ऑप्शन भी आपको साथ में मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।